बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओ लेवल मैथमेटिक्स में आज चैप्टर नंबर 1 का मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF भी कहा जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। HCF है The highest common factor of two or more numbers is the highest number that divides the number exactly. तो highest common factor दो या दो से ज़्यादा नंबरों का एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को exactly divide करेगा। अब इसको देखते हैं। For example, हमारे पास दो नंबर्स हैं 18 और 30। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई, ये 18 और ये 30। फैक्टर्स 18 के अगर देखे जाएं, आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके दरमियान में जो नंबर आते हैं आप देखेंगे वो डेफिनेटली 18 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इस तरह से 30 जो है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये सारे फैक्टर्स हैं 30 के, जो कि 5 भी 30 को डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है, 15, 13, 6, 3, 2 एंड 1, ये सारे डिवाइड करते हैं 30 को। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। अब आप देखें इन दोनों फैक्टर्स को ऊपर और नीचे लिखा गया है और आप देखें इनमें कुछ ऐसे हमारे पास नंबर आ रहे हैं जो दोनों में है, जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 13 आर 1, 2, 3 एंड 6। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, वो हमारे पास 6 होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो 6 है। 3 भी दोनों में कॉमन है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, 2 भी कॉमन है वो हाईएस्ट नहीं है। 6 ऐसा नंबर है जो ऐसा दोनों में है और ये हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, सो इट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक बात तो ये होगी हमारे पास। अब आगे हम चलते हैं। इस मेथड को कहा जाता है लिस्टिंग मेथड। ये जो मेथड हमें बताया गया अभी कि दोनों के फैक्टर्स हमने लिख लिए, लिस्ट कर लिए दोनों के फैक्टर्स, फिर देखे दोनों में कॉमन कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर ये तो था कि अगर छोटे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स आसानी से हम बना सकते हैं तो लिस्टिंग मेथड हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर बड़े नंबर हों, फॉर एग्जांपल 504, 588, तो आप कितने फैक्टर्स बनाएंगे, 5404 के कितने फैक्टर्स हमें बनाएंगे, इस तरह से 588 के, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 504 हैज़ 24 फैक्टर्स वाइल 588 हैज़ 18 फैक्टर्स। तो इन दोनों के 24 और 18 फैक्टर्स हैं जिनमें 12 फैक्टर्स कॉमन है। पहले तो ये बात है कि इनके ये दोनों फैक्टर्स निकालने काफ़ी एक काम है। ठीक है, निकालने पड़ेंगे पहले आपको, तो ये एक मुश्किल चीज़ है, उसके लिए और मेथड लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है हमारे पास HCF दोनों का फाइंड करने का लिस्टिंग मेथड के अलावा। इसमें आप बड़े नंबर्स को भी HCF फाइंड कर सकते हैं, छोटे नंबर्स का भी HCF फाइंड कर सकते हैं। इसका मेथड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये पहले दो नंबर हैं 18 और 13, इसी का हम फाइंड करने लगे हैं HCF। तो सब नंबर वन स्टेप ये है कि एक्सप्रेस 18 एंड 13 एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 18 को अलहदा से और 13 को अलहदा से उनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के तौर पर या प्रोडक्ट के तौर पर आप रिप्रेजेंट करें। जैसे कि आप देखें 18 को कर दिया 2 × 3 × 3, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो 18 ही आता है। सिमिलरली 30 को किया तो 2 × 3 × 5, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आता है। एक्सट्रैक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, आप देखें इसमें कॉमन एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ये 3 इसमें है लेकिन इसमें एक और 3 नहीं है, इसलिए ये वाला 3 कॉमन के तौर पर नहीं आएगा, ये 5 आ जाएगा। इसी को ये 2 और 3 कॉमन फैक्टर है हमारे पास, मैंने ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया और 2 × 3 क्या बन गया, 6 बन गया। अच्छा, एक दूसरा मेथड जिसमें इंडेक्स नोटेशन में आप इसे लिख लें,
आप देखें ये 2 है और 3 चूंकि यहाँ पे दो दफ़ा था तो 3 पावर 2 लिख दिया, लेकिन जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसमें से तो ये तो 2 आ गया क्योंकि दोनों सेम पावर्स हैं। इसमें आप देखें एक 3 है और एक 3 पावर 2 है, तो यहाँ पे लिखा है कॉमन फैक्टर इज 3, दैट इज चूज द पावर ऑफ 3 विद द स्मॉलर इंडेक्स। तो 3 कॉमन तो है लेकिन हमने जो सबसे स्मॉल इसमें आएगी पावर उसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉमन फैक्टर्स को तो एच सी एफ आ जाएगा, दैट इज 6। एक और मेथड है इन्हीं दोनों नंबर्स का, एच सी एफ फाइंड किया गया है 18 और 30 का। तो आप देखें 18 और 30 दोनों चूंकि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं तो हमने इसे 2 पे डिवाइड किया, 18 को 2 पे डिवाइड करने से 9 आ गया, 30 को 2 पे डिवाइड करने से 15 आ गया। अब देखें 9 और 15 दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, किसी प्राइम नंबर पे, 2 पे तो नहीं डिवाइड हो रहे, 3 पे देखा 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, हमने डिवाइड किया 9 को 3 पे डिवाइड करने से 3 आया, 15 को 3 पे डिवाइड करने से 5 आ गया। अब आप देखें ये दो हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये दोनों प्राइम नंबर सेम तो नहीं है, या इन दोनों में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर तो अब नहीं निकल रहा। तो जब कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा हो, यानी कि एंड पे दो प्राइम नंबर्स आ जाएं, तो फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो अब ये लेफ्ट साइड पर यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एच सी एफ, दैट इज़ हायर कॉमन फैक्टर, और ये क्या बना हमारे पास 6 बना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये आप लोग करेंगे, जो नहीं हो वो मुझे बताइएगा। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड्स, बोथ मेथड्स मीन आप लिस्टिंग मेथड भी यूज़ करें और ऊपर वाला भी, या ये दो मेथड है, सॉरी लिस्टिंग मेथड आप रहने दें, ये वाले दो मेथड आप यूज़ करेंगे। ये वाला एक मेथड है प्राइम फैक्टर्स बना के प्रोडक्ट के तौर पर लिख के, और दूसरा ये वाला मेथड है, इन दोनों मेथड से आप करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70, तो एक्चुअली इसका भी आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है। द नंबर्स 504 एंड 588 रिटन एज द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 504 एंड 588, तो एक्चुअली इसका भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। 504 इट इज़ इक्वल्स टू, इसकी फैक्टराइजेशन करके इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है 2 पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 इंटू 7, और जो दूसरा नंबर है 588, इसके आप देखें इंडेक्स नोटेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा हुआ है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर 7 पावर 2। आप देखें ये जो हमारे पास मेथड है, तो ये हमने जो फर्स्ट मेथड किया था ये वाला, इस तरह से होगा। हमने 18 और 30 को इस फॉर्म में लिख लिया है, हम कॉमन फैक्टर अब इनके ढूंढेंगे। अब देखें 2 है दोनों में डेफिनेटली, इस तरह से 3 भी दोनों में है और 7 भी दोनों में मौजूद है, लेकिन हमने करना क्या था, करना ये था कि चूज़ द पावर ऑफ नंबर विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, तो हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं जी, कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखें ये 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 2 डेफिनेटली स्मॉल पावर है, स्मॉल इंडेक्स है, तो 2 पावर 2 हम कॉमन के तौर पे लिखेंगे। 3 में आप देखें ये 3 है और ये 3 पावर 2 है, तो 3 को लिखेंगे चूंकि छोटी पावर है, इस तरह से 7 भी आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 7, तो आप देखें अब इसका ये आंसर आ गया। मैं छोटा कर देता हूं,
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 × 7, तो 7 × 3 = 21, 21 × 4 कितना होता है जी 84, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 84, ठीक है, HCF हमारे पास ये आ गया है 84, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। पहले हमने इसके कॉमन फैक्टर्स देख लिए, कॉमन फैक्टर्स देखने के बाद HCF के लिए इन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो HCF आ गया। ये तो था प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो वाले। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे, HCF of three numbers, तो वही मेथड्स हैं। आप देखें कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आपने ये कर लिया, सिर्फ वही नंबर लेंगे जो तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 है, ये 2 है और ये 5 है, इस तरह से यहाँ पे ये 2 पावर 2 आ गया और ये 5 पावर 2 आ गया, और सॉरी 5 आ गया, जो सबसे छोटा इंडेक्स लेना होता है वो वाला। इसलिए सेकेंड मैथड ये वाला है, इसमें भी आप देखें जब इसको किया गया है 40, 60 और 100 को, तो तीनों चूँकि 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 पे, फिर 5 पे, तो एंड पे प्राइम नंबर्स आ गए, हमने स्टॉप कर दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 आंसर आ गया। इस तरह से लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 90, 135 एंड 270, तो ये मेथड है आपके सामने है, आप इसको करेंगे जैसे 2 नंबर्स को किया है वैसे 3 नंबर को करेंगे, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो आप ये प्रैक्टिस जो है ये करेंगे, मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ। एक्सरसाइज में आप देखें फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर्स, तो ये पहले 2-2 नंबर्स हैं और फिर 3-3 नंबर हैं, तो एक तो आपने ये क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने LCM आपको नहीं बताया है, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इस लेक्चर में आपको HCF के बारे में बताया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। LCM इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं इसलिए इतना कम करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको करें भी, ठीक है, बहुत टाइम होता है तो आप लोग इसको करें। आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप इसको पूरा फ़ायदा उठाएं, घर में बैठ के इसको करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।